आज का यह व्लॉग हमारा रहने वाला है साकंबरी और लोहागढ़ जी पर। तो हम साकंबरी में प्रवेश कर चुके हैं। हम झुन्नू से 11 बजे निकले थे और संडे का दिन आज और अमावस्या भी है, तो यहाँ पर अच्छी भीड़ रहने वाली है और संडे का लुक उठाते हुए हम दोनों भाई निकल चुके हैं। यह हमारा चचेरा भाई है, हम बाइक पर निकले हैं। दोस्तों बाइक पर बहुत ही आनंद आने वाला है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आपको लुभावनी लगेगी। यदि आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, और हमने सेल्फी स्टिक लिए उससे वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है और वीडियो भी बहुत ही अच्छा बन रहा है हमारा, और हमने कैमरा भी लिया है। हम शूट भी करने वाले हैं जल्दी। और यहाँ की रोड है वो बहुत ही टूटी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो कितने गड्ढे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ है। तो मोटरसाइकिल लेके आए तो संभाल के उसे चलाए, इसीलिए हमारा कैमरा है वो भी हिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर से हमने व्यू लिया, बहुत ही अच्छा वीडियो हमारा बन रहा है। और यहाँ पर हरियाली देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है, हरियाली बहुत ही अच्छी है। इस टाइम यदि आप जाना चाहिए बरसात के टाइम और सावन के टाइम जा सकते हो, सावन का महीना चल रहा है तो आप जरूर जाइए। यहाँ पर कावड़ियों की वैसे की भीड़ है वो रहती है। यहाँ की पहाड़ी आप देख सकते हो बहुत ही हरियाली से भरी हुई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो। ऐसी वीडियो हम ले आते रहते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं, यह कौन सा पॉइंट आप बता सकते हो? यहाँ से काटली नदी है वो भी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपना फोटो शूट है वो करने वाले हैं। अब देख सकते हो यह मनाली से कम नहीं लग रहा नज़ारा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मोबाइल से सेल्फी स्टिक की सहायता से कुछ फोटो खींची और वीडियो भी बनाए। उसके बाद में हम कैमरा है वो रेडी कर लेते हैं और इससे भी हम फोटो शूट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी हमारी फ़ोटो है वो आई थी, मैं एडिट करके उनको पोस्ट करने वाला हूँ जल्दी। यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर ले। सबसे पहले मैंने अपने शुभम की फ़ोटो खींची, देख सकते हो कितनी अच्छी फ़ोटो है वो आ रही है यहाँ पर। आप पीछे का व्यूज देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है आपको दिखाई दे रहा है। पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच का यह नज़ारा है, तो बहुत ही अच्छी आपकी फ़ोटो आने वाली है। अब मैं फ़ोटो खिंचवाने वाला हूँ और शुभम हमारी फ़ोटो है वो खींच रहा है। मैंने उसको सेटिंग है वो करके दे दी है, वो हमारी फ़ोटो है वो खींच देगा। हमारी फ़ोटो आप देख सकते हो कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पर, बैकग्राउंड लुक बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर शूट करें। इसके बाद में हम निकल चुके हैं साकंबरी के लिए। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं कोट बांध, और कोट बांध में हम रुके नहीं। कोट बांध में हम आते टाइम है वो रुक जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम माता के दर्शन कर लेते हैं। तो हम प्रवेश द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं साकंबरी के मंदिर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे ट्रेवल्स है वो आ रहे हैं। इसके बाद में हमने जो बाइक है वो पार्किंग में खड़ी कर दी जहाँ पर पार्किंग होती है। इसके बाद में हम माता के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर आप प्रसाद लेना चाहें तो प्रसाद भी ले सकते हो, दुकानें आपको मिल जाएगी। उसके बाद में हमने पीछे के दरवाजे से वो दर्शन किए, आगे के दरवाजे से बहुत ही भीड़ हो रही थी। यहाँ पर क्या बन रहा है ये तो मुझे नहीं पता, आप बताएं कमेंट करके। तो हम प्रवेश कर चुके हैं, दर्शन भी मैंने कर लिए अच्छी तरीके से। यह मंदिर का व्यू है अंदर का। इसके बाद में हमने थोड़ा प्रसाद लिया वहाँ पर। उसके बाद में हम जो झरना होता है साकंबरी में वो देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर अभी बरसात नहीं हो रही थी इसलिए वो
नज़ारा हमें देखने को नहीं मिला। यह है दूसरा व्यू पॉइंट है जहाँ पर आप फोटो शूट है वो करवा सकते हो। बहुत ही अच्छी फ़ोटो है यहाँ पर आपकी आएगी यदि आप यहाँ पर खिंचवाते हैं तो। हमने कुछ फ़ोटो है वो क्लिक की यहाँ से और यहाँ पर हमारा कैमरे की जो बैटरी है वो डिस हो गई। उसके बाद हमने फ़ोन से ही शूट किया। उसके बाद हम निकल चुके हैं सकम्बरी से। यहाँ पर हमें अनिल और ओमला मिला जो कॉमेडी करते हैं, उनके साथ थोड़ी मस्ती फ़ोटो शूट की। इसके बाद में हम कोट बांध में पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो यह कोट बांध है और यहाँ पर पार्क भी है छोटा सा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही है, भीड़ हो रही है, बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ पर आज के दिन। वो सामने आप देख सकते हो पार्क है जहाँ पर आप ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ ले सकते हैं। आप देख सकते हो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सारा पानी अभी कोट बांध में है। अभी बहुत ही अच्छी बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं है, वरना तो यह कोट बांध की जो चादर है वो भी चल जाती। अभी कोट बांध की लेवल आप देख सकते हो कितना पानी है इसमें, अभी भी बहुत कम पानी है। उसके बाद में हम निकल चुके हैं सकम्बरी से। यह सकम्बरी का अंतिम गेट है। अब नीले हम उदयपुर वाटी में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हम जोनू रास्ते से आए थे बुड्ढा होके। अब आगे चलते हैं हम लोहागढ़ जी धाम। यहाँ से भी कातली नदी है वो गुजरती है और यह टोल है दोस्तों, यदि आप पिकअप से आना चाहते हैं तो टोल जरूर लगेगा आपका। यहाँ से लोहागढ़ धाम है वो 10 किलोमीटर है और यह गेट है वो पहला आ चुका है। यह झुंझुनू का रास्ता जाता है लोहागढ़ होके। यह लोहागढ़ धाम का पहला गेट है, हम प्रवेश कर चुके हैं लोहागढ़ धाम में। यहाँ पर भी हरियाली बहुत ही अच्छी थी और यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यह बंदर है मंकी छोटे छोटे, यहाँ पर आपको मंकी बहुत ही देखने को मिलेंगी। यह लोहागढ़ धाम का दूसरा गेट है जहाँ पर आपको पार्किंग है वो करनी होती है। यदि आप आगे जाएंगे तो पुलिस वाले आपको रोक लेंगे और बाइक है आप ले जा सकते हैं, लेकिन आज भीड़ होने के कारण यहीं पर पार्किंग है वो करवाई गई। इसके बाद में हम पैदल गए अंदर और यहाँ पर आपको अचार के भंडार है वो मिल जाएंगे। अचार की दुकानें बहुत सारी हैं, यहाँ पर अचार खरीद सकते हैं। इसके बाद हम लोहागढ़ रेस कर चुके हैं और यहाँ पर कुंभ में हमने डुबकी लगाई, स्नान किया। उसके बाद हमने मंदिर के बहुत दर्शन किए। यहाँ पर फोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वीडियो है फोटो शूट नहीं किया। यहीं पर कावड़िए हैं वो नहाते हैं और कावड़ की पूजा करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं और फिर हम भी चल पड़े झुंझुनू की तरफ। लोहागढ़ धाम से हम निकल चुके थे और यह झाझड़ में हमें सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिली। उसके बाद में हम कावड़ियों के साथ शामिल हो गए। इस पर हमने कावड़ नहीं लेके आए लेकिन फिर भी हमने कावड़ियों का लुत्फ उठाया। इसके बाद में हम 7 बजे हैं वो कावड़ियों के साथ झुंझुनू पहुंच चुके हैं। यह झुंझुनू का नज़ारा आप देख सकते हो, रात का नज़ारा। उसके बाद में हम 9 बजे हैं वो हमारे घर हैं बगीचे में पहुँच चुके हैं।